टीकाकरण सुबह 9 बजे से पुलिस सुरक्षा के मध्य किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि दूसरे चरण में भी 100 लोगों को टीका लगाया जाना है, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। सभी लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें पहले ही टीकाकरण के बारे में अवगत करा दिया गया था। कोरोना वैक्सीनेशन की सभी प्रक्रियाएं पूर्व में हुए टीकाकरण की भांति हुई है। उन्होंने बताया 16 जनवरी को हुए वैक्सीनेशन के अभी तक कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले। उन्होंने बताया कोरोना का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसलिए अपनी बारी आने पर सभी अनिवार्य रूप से इस टीके को अवश्य लगवाएं। 90 स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया। टाइम्सलर सिंह मथुरा, समाचार 24। सर, आज दूसरे चरण में किन लोगों का टीकाकरण किया गया? आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमा पर दूसरा सत्र लगा है कोविड वैक्सीनेशन का। इसके अंतर्गत फिर से हमने 100 लोग चुने हैं, उनकी लिस्ट बनाई है। ये सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हीं का टीकाकरण आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमा पर किया जा रहा है। क्या पूर्व में जिनका टीकाकरण हो चुका उनका भी नाम भी है इनमें? नहीं, उनका नाम नहीं है। जिनका पूर्व में पहले सत्र के दौरान टीकाकरण हुआ था, उनको लगभग 1 महीने बाद दोबारा दूसरे टीके के लिए बुलाया जाएगा। आज जो 100 लोग आए हैं वो कम्प्लीटली न्यू और फ्रेश हैं। उन लोगों को कल मोबाइल के द्वारा अवगत कराया गया और वो सब आज पंक्तिबद्ध होकर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं।